आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो स्टूडेंट्स, यहाँ क्वेश्चन की मैंने क्वेश्चन कह रहा है कि कंटेनर ए होल्ड एन आइडियल गैस एट अ कांस्टेंट प्रेशर दे रखा 1×10⁵ पास्कल एंड इसका टेम्परेचर दे रखा आपका 300 केल्विन और कंटेनर बी जो है उसका वॉल्यूम जो है वो 4 times है ए कंटेनर ए से और कहा जा रहा है आपसे कि एंड द सेम आइडियल गैस एट 400 केल्विन, ठीक है, और इसका प्रेशर दे रखा 5×10⁵। अब कहा जा रहा है कि जो वॉल्व वी है, यहाँ पे जो वॉल्व वी दे रखा है इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, एडजस्ट कर रहे हैं टू अलाउ द प्रेशर टू इक्वलाइज, मतलब दोनों साइड का प्रेशर को हम लोग बराबर कर रहे हैं लेकिन टेम्परेचर जो है आपका सेम है, जो आपका शुरुआत में था वही टेम्परेचर है। तो बोल रहे कि बताओ प्रेशर क्या होगा दोनों कंटेनर का, ठीक है। तो सबसे पहला जो बात इसमें करेंगे कि आपका जो ए जो आपका ये वाला है, ए कंटेनर जो है इसका आपका प्रेशर दे रखा है, ए जो कंटेनर उसका प्रेशर दे रखा है हमारा कितना है, ये है आपका 1×10⁵ पास्कल है, ओके। एंड इसका अगर मैं वॉल्यूम अभी फिलहाल के लिए अगर मैं वी मान लूं तो बी का वॉल्यूम कितना होगा, तो 4 times दे रखा है हमारा, तो ये आपका हो जाएगा 4× का वी आ जाएगा, ओके। एंड इसका प्रेशर कितना दे रखा है, इसका प्रेशर है आपका 5×10⁵ पास्कल, ओके। एंड आपका टेम्परेचर दे रखा है इसका 400 केल्विन एंड एक और पॉइंट है, ए पॉइंट का टेम्परेचर दे रखा है 300 केल्विन, ठीक है। अब इसमें होगा क्या कि जैसे हम लोग इस बल्ब को हटाएंगे तो अब इन दोनों में जो प्रेशर लगेगा वो इक्वलाइज करेगा, दोनों बराबर होंगे, ठीक है, तब जाकर के सिस्टम हमारा क्या आएगा, इक्विलिब्रियम पे आ जाएगा, ठीक है। लेकिन इस केस में हमारा क्या होगा कि अगर मान लेते हैं कि इस वाले का मोल अगर एन ए है और इस वाले का मोल अगर एन बी है तो इस केस में आपका मोल जो होगा वो कंजर्व रहेगा, ठीक है। मोल जो होगा इस कॉन्सेप्ट में क्या रहेगा, तो मोल जो होंगे आपके वो कंजर्व रहेंगे, वो कहीं नहीं जाएंगे, बेसिकली ए और बी वाले कंटेनर में ही रहेंगे, ठीक है। अब अगर आइडियल गैस की बात करेंगे तो पीवी इक्वल टू हमारा क्या होता है, एन आर टी होता है, ओके। यहाँ पे एन आपका नंबर ऑफ मोल्स होता है, तो एन को हम लोग लिख सकते हैं प्रेशर इंटू वॉल्यूम एंड डिवाइडेड बाई गैस कॉन्स्टेंट बाई टेम्परेचर, ओके। अब यहाँ पे एक्चुअली में क्या होगा कि हम लोग बात कैसे करेंगे, तो हम लोग बात ऐसे करेंगे कि शुरुआत में जो इन दोनों का मोल था, मतलब शुरुआत में इन दोनों का मोल मतलब एन ए प्लस का एन बी एंड बाद में जो आपका टोटल मोल होगा, ये दोनों आपस में बराबर होंगे, दोनों जब इसको वॉल्व को हटाएंगे तो फिर इन दोनों को जो कंबाइंड मोल होगा ये आपका दोनों बराबर होंगे, ठीक है। लेकिन अब बात करेंगे एन ए, जब स्टार्टिंग में जब ये वॉल्व क्लोज था, जब वॉल्व क्लोज था तो यहाँ का प्रेशर कितना है, तो यहाँ का आपका प्रेशर दे रखा 1×10⁵ है, तो यहाँ का आपका प्रेशर दे रखा है क्योंकि मोल क्या होता है, प्रेशर इंटू वॉल्यूम और बाई आर टी होता है, तो प्रेशर लिखेंगे तो 1×10⁵ लिखेंगे एंड इसका वॉल्यूम है आपका वी एंड डिवाइडेड बाई हम लोग करेंगे आर को आर छोड़ देते हैं और टेम्परेचर हमारा है 300 केल्विन, तो इसको लिख लेंगे 300 केल्विन एंड प्लस करेंगे बी का मोल कितना है, तो बी का मोल में बी का प्रेशर कितना है, तो बी का प्रेशर है 5×10⁵, ओके। तो इसको लिख लेंगे हम लोग 5×10⁵ एंड इसका वॉल्यूम है आपका 4 times है फर्स्ट वाले से, तो 4V हो जाएगा एंड डिवाइडेड बाई हमारा यहाँ पे आ जाएगा आर और टेम्परेचर कितना है यहाँ पे, तो टेम्परेचर देख सकते हैं कि जो बी पॉइंट का टेम्परेचर है वो हमारा 400 केल्विन, ठीक है, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 400 केल्विन। अब हो क्या रहा है कि जब हम लोग टोटल मोल लिखेंगे तो टोटल मोल कब होगा, जब हमारा ये वल्व को हम लोग ओपन कर देंगे, वल्व को क्या कर लेंगे, बाहर निकाल लेंगे। अब उस केस में दोनों का प्रेशर बराबर आएगा क्योंकि दोनों के दोनों क्या करेंगे, इक्वलाइज करेंगे जब इक्विलिब्रियम पे होंगे, तो ठीक है, तो दोनों केस में हमारा क्या आएगा, अब हमारा प्रेशर बराबर आएगा, तो अब हम लोग क्या लिख लेंगे, प्रेशर पी मान लेते हैं, तो पी एंड इसका वॉल्यूम कितना था, तो वी था और डिवाइडेड बाय आर और टेम्परेचर कितना था, तो इसका टेम्परेचर आपका 300 था क्योंकि क्वेश्चन में रखा है कि आपका कांस्टेंट है, टेम्परेचर जो है आपका कांस्टेंट रह जा रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे आपका 300 ही रहेगा। एंड सेकेंड वाले का बात करेंगे तो सेकेंड वाले का भी प्रेशर वही रहेगा क्योंकि हमने बल्ब को खोल दिया है, लेकिन इसका वॉल्यूम जो है आपका 4V है, ठीक है, 4V है एंड डिवाइडेड बाई आर और यहाँ का टेम्परेचर आपका 400 केल्विन, तो ये हम लोग लिख लेंगे हम लोग 400 केल्विन, ओके। अब हमें कुछ नहीं करना, बस इसको सॉल्व कर लेना, ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि आपका ये वी सब लोग कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, और आर कैंसिल भी हो जाएगा, ठीक है, तो यहाँ से हमारा कितना आ जाएगा, तो अगर हम लोग एलसीएम ले लेंगे 400 और 300 को, तो यहाँ पे क्या लिख लेंगे, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि 10⁵ हमारा कॉमन आ रहा है, तो 10⁵ को कॉमन निकाल रहे हैं और 400 इधर मल्टीप्लाई होगा एंड ये वाला टर्म कितना है, हमने 10⁵ कॉमन निकाली है, तो 5×4 20 एंड 20×300 कितना आएगा, तो 20×300 आपका आ जाएगा 6000, ठीक है, तो ये हमारा आ जाएगा 6000 इज इक्वल टू
इसमें लेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 400 का पी, पी को मैं कॉमन निकाल रहा हूँ, यहाँ बच जाएगा 400 और ये हमारा आ जाएगा प्लस का 300, ओके 300। अब अगर हम लोग यहाँ से प्रेशर को फाइंड आउट करेंगे तो प्रेशर कितना आ जाएगा, तो यहाँ से प्रेशर आ जाएगा 600 प्लस 400 आ जाएगा 6400 एंड डिवाइडेड बाई 400 प्लस 300 कितना हो गया, ये आपका 400 और ये यहाँ पे ध्यान दीजिए गलती कर दी हमने, 4 × 3 करेंगे ना, तो 4 × 3 हमारा यहाँ पे जाएगा 12 आ जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 1200 ना, यहाँ पे आपका आ जाएगा 1200 12, ठीक है, तो यहाँ पे आपका नीचे आ जाएगा 1600 और साथ में हमारा आ जाएगा 10 का पावर 5, ओके। अब इसको सॉल्व कर ले रहे हैं तो सॉल्व करेंगे तो 4 times में कैंसिल हो जाएगा, तो जो हमारा प्रेशर आ गया तब हम लोग वाल्व को हटाएंगे तो आपका आ जाएगा 4 × 10⁵ पास्कल के बराबर, ठीक है, 4 × 10⁵ पास्कल के बराबर। अगर ऑप्शन से बात करेंगे तो ऑप्शन से देख सकते हैं कि जो हमारा फर्स्ट नंबर का ऑप्शन है वो आपका करेक्ट ऑप्शन है। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट IIT JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।